हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मेरी चल रही है क्लीनिंग, तो मॉर्निंग में क्लीनिंग ही चलती है ऑब्वियसली। तो बस यहाँ पर ये जो गोदड़ी वगैरह है ना, ये हम रात में ओढ़ने के लिए लेते हैं। और ये हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में, मीन्स कि हमारे खानदेश में, महाराष्ट्र में नहीं बोल सकते क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो मतलब जिस कंट्री में हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ की हर गांव की, हर एक कंट्री की रीति रिवाज अलग काइंड ऑफ की होती है ना। तो हमारे यहाँ पर जो हम साड़ी वगैरह वेयर करते हैं ना, उसी से ये गोदड़ी बनाते हैं। तो ये हैंडमेड गोदड़ी बनाई है और इसी का हम यूज भी करते हैं। सॉरी, तो हमारे यहाँ पर यही चलता है, मतलब कि ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए भी, गद्दे वगैरह अगर ना हो तो इसे बिछाया भी जाता है। तो हैंडमेड गोदड़ी है ये, हाथों से बनी हुई, ये मशीन वगैरह पर नहीं बनाई जाती, हाथों से बनाई जाती है। तो हमारे चार लोग हैं हम, तो चार पांच मैंने निकाल ली थी और हम अभी बेडरूम में सोते हैं क्योंकि अभी बरसात के दिन शुरू है तो इतना ज़्यादा गर्म वगैरह नहीं होता। तो हम मतलब आगे के रूम में, जिस रूम में हूँ ना, इस रूम में जब हम सोते हैं तो बिना गद्दे के मैं और खुशी सोती हूँ और मेरे हस्बैंड जी, और रात जो है गद्दा डाल के सोते हैं। तो ये बेड पर जो गद्दा होता है ना, वो डाल लेते हैं वो, और हम दोनों माँ बेटे नीचे ही सोते हैं क्योंकि हमें गर्मियों के दिन में नीचे सोना, फर्श पर सोना काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो बस यहाँ पर मैं ये गद्दा वगैरह लेके आ गई। तो इस गद्दे पे ना खुशी सोती है चारपाई पर, और हमारा जो बेड है बड़ा वाला, आप सभी ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा। तो बेड पर मैं, हस्बैंड जी और राज, हम तीन लोग सोते हैं और खुशी जो है ना, वो चारपाई पर सोती है ये गद्दा डाल के। तो बस मैंने उसे उठा के और लेके आ गई हूँ। वैसे खुशी आज चली गई है स्कूल में, तो आज वेनेसडे था ना, तो खुशी ने मतलब खुशी को ज़्यादा ये नहीं होती वेनेसडे के दिन चोटी बनाओ और स्कूल ड्रेस वेयर करने के लिए, चुन्नी विन्नी डालने के लिए उसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो वो सारा प्रोसीजर नहीं होता बुधवार के दिन। तो वेनेसडे होता है तो कोई भी कपड़े चलते हैं। बस मैंने यहाँ पर अपना कैमरा वगैरह अच्छे से सेट कर दिया, तो गद्दा मैंने अच्छे से लगा लिया है। और ये बोगोनी आप देख रहे होंगे तो मैंने निकाल के रखी है क्योंकि दूध वाले भैया जो है ना, उनका भी आने का टाइम हो चुका था, तो इसी वजह से मैंने ये बोगोनी वगैरह भी ला के रख दी है। तो आप देख ही सकते हो, और बार बार मुझे इधर उधर जाना पड़ता है। अभी मैं झाड़ू लेने के लिए चली गई थी, तो ये देखिए गौ माता आ गई, तो गौ माता के लिए मैं रोटी लेने के लिए चली गई थी। और मैं ना हर रोज़, हमारे यहाँ पर गौ माता हर रोज़ आती है, तो मैं हर रोज़ उसे एक रोटी और हल्दी कुमकुम का टीका वगैरह लगा के खिला के और भेज देती हूँ। और वो गाय भी इतनी समझदार है ना यार, क्या बताऊँ, मतलब रोटी खाने के बाद ही जाती है। ऐसे अगर मैं कभी कभार, अगर सैटरडे के दिन मैं नहीं बनाती हूँ ना रोटी, मीन्स कि खुशी के लिए टिफ़िन में नहीं बनाती हूँ, कुछ भी अलाउड होता है, तो उसे मैं मुरमुरे वगैरह कुछ भी दे देती हूँ, कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, तो उस दिन ना वो गाय मतलब हिलती नहीं है। अगर मैं उसे बता दूँ ना कि आज कुछ नहीं है चली जाओ, तो फिर भी नहीं जाएगी। तो अगर घर में कुछ अवेलेबल हो, मीन्स कि केला वगैरह या तो फिर रात की बची हुई रोटी, वो खाएगी तभी जाएगी, पर वो खाने के अलावा मतलब जाती नहीं है, हिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा है, दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने बस दूध ले लिया, अभी मैं चढ़ा दूँगी गर्म करने के लिए और उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा काम जो है वो अधूरा रह गया है। तो क्लीनिंग वगैरह मैं सोफे की हर रोज़ करती हूँ, मीन्स कि झटकना फटकना वगैरह, वो तो हर रोज़ का काम होता है मेरा और करना ही चाहिए क्योंकि इन दिनों क्या होता है, चींटियों का बड़ा मतलब कहर होता है, चींटियाँ ना कहीं पर भी हो जाती है। और मेरे बच्चों की आदत है कि वो सोफे पर ही बैठकर खाना खाएंगे, सोफे पर बैठ के वो कुछ भी मतलब कुरकुरे हो गए या तो फिर चूड़ा हो गया, कुछ भी अगर खाना हो सोफे पर बैठ के खाएँगे, सोना हो सोफे पर बैठ के सोएंगे, ऐसा उनका मतलब उनकी आदत ही बन चुकी है। तो मैं हर रोज़ दोनों टाइम, इवनिंग की जो क्लीनिंग होती है तब भी और जब मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है तब भी, दोनों टाइम में ये कर लेती हूँ काम, झटक फटक कर और फिर ये करती हूँ, झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी और इस पायदान को भी मैं झटक लिया था, बाहर से झटक के लेके आ गई थी।
तो बस यहाँ पर मेरी क्लीनिंग वगैरह शुरू है और हर एक हाउसवाइफ की मॉर्निंग में ही क्लीनिंग वगैरह शुरू हो जाती है। क्लीनिंग के बाद मैं दिया बाती वगैरह कर लूँगी। हस्बैंड जी का बर्थडे है और हस्बैंड जी को मतलब उनको केक नहीं लाना था आज, तो वो नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, बट हमने लेके आ गए हैं छोटा सा और उनको पता नहीं है, वो अभी बाहर गए हैं। तो राज गया था लेने के लिए, ये देखिए पापा लिखा हुआ है, तो छोटा सा केक लेके आ गए हैं। तो साल में एक बार ही आता है ना बर्थडे, सेलिब्रेशन कर लेना चाहिए। सो आज मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है और उनको ना बर्थडे विशेष के लिए मतलब काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, बार बार उनको कॉल आ रहा था। तो ये देखिए केक मैं जूम करके दिखा रही थी, इतना ज़्यादा यम्मी था ना ये केक, और वो अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स कुछ तो बोलते हैं ना आइस केक, तो वो वाला था एक्चुअली। मुझे इसका इतना ज़्यादा नाम नहीं पता, बट राज मुझे बता रहा था पिस्ता फ्लेवर भी था एंड आइस केक बोल रहा था राज, और इंडियन ड्राई फ्रूट्स तो अंदर भर भर के डाले हुए थे, जैसे मतलब कट करके निकल रहे थे ना वो ड्राई फ्रूट्स, तो इतने ज़्यादा वो होता है ना जेली टाइप, तो उसे अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, वो वही वाला था ये केक, और काफ़ी पसंद आया। राज और उसके अंकल गए थे लेने के लिए, तो उसकी चॉइस भी इतनी अच्छी मतलब इतनी बुरी नहीं है, इतना छोटा है फिर भी। तो हस्बैंड जी की आरती उतार ली, उसके बाद जलेबी लाए थे, मतलब कि जलेबी, तो जलेबी से हमने मुंह मीठा करवा दिया और उसके बाद फिर केक कटिंग शुरू हो गई। मैं रेडी वगैरह नहीं हुई थी, हस्बैंड जी भी रेडी नहीं हुए थे, वो बोल रहे थे कि बरसात का टाइम है और क्या रेडी होना, तो नाइट ड्रेस पर ही हमने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन कर लिया था। और वैसे भी हम मतलब फैमिली में बस हम ही थे, तो क्या इतना ज़्यादा ये करना है ना, तो रेडी वगैरह नहीं हुए थे। वैसे हमारा बाहर जाने का प्लान था, बट बरसात 4-5 दिन से रुक ही नहीं रही थी, थम ही नहीं रही थी, मतलब शुरू ही है, मॉर्निंग से शुरू हो जाती है तो रात तक, रात भर शुरू रहती है तो मॉर्निंग तक, और बाहर कैसे जाएंगे है ना। तो मैंने खिला दिया उनको और उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाने बैठ गए, तो सब खाना इंजॉय कर रहे हैं। और यही रीज़न था कि वीडियो नहीं आ रहे हैं रेगुलर, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा है कि मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी, ना ही वॉइस ओवर दे पा रही थी। तो आइए आप लोग भी केक खाने के लिए, और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर ना किया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।